रहमतुल्लाही ताला बरकातुहू। मैं दिलशाद मिर्जा राजा इस वक्त घर पर मौजूद हूँ, नियर बिलाल मस्जिद यशोदा नगर प्लाट नंबर 452 में, और 12:39:17 हो रहे, मतलब रात के 12:39:20 हो चुके। देख सकते हैं अंदर वाला रूम, ऐसे तो बातें तो बहुत सारी करें, देख सकते हैं रूम है ना। खैर रूम का दरवाजा लगा देता हूँ। और रात के तो तारीख जो बता ही चुका हूँ, जो है 21, ये सॉरी 11 मई 2023 गुरुवार, क्योंकि 12 बजे गुरुवार लग चुका है, लग चुका है, जिसे हमारे इसमें जुमेरात कहते हैं, है ना। ऐसे रहे कि जेट तक अल्हम्दुलिल्लाह बताने की आदत है दिलशाद मिर्जा को, क्यों ना बताए, है ना। और इसी के साथ साथ जो है, ऐसे तो मगरिब के बाद में जो है हमारे इसमें तारीख चेंज हो जाती है मगरिब की नमाज़ के बाद में, और मैं घर से जो निकला था, घर से लगभग जो है 1:55 पे जो है यशोधरा नगर से निकला था, यशोधरा नगर से निकला था 1:55 पे दोपहर में, 2:28 पे रानी दुर्गादी चौक क्रॉस किया, तो लगभग जो ब्रिज है ना, जो दही बाजार का जो ब्रिज है, ब्रिज पर पहुंचा 2:28 पे। जैसे ब्रिज पर 2:28 पर पहुंचा तो एक शख्स से मिल गया, एक जो इन्हें बताया कि मैं वारिसपुरा का, वारिसपुरा का वो शख्स था। उसने मुझे अपना लकड़ा थाने के पास से जो सुनील होटल है वहाँ से सीधे स्टेट लेके गया, और मट्ठा भी पिलाया, मेरा दिल नहीं था पीने का तब भी मट्ठा पिलाया। 2:28 पे बिठाया गाड़ी पे, लगभग जो है हम लोगों ने जो है 32 मिनट पे जो अपना, हाँ 32 मिनट पे जो मट्ठा वगैरह पिए, फिर 2:40 पे वो शख्स ने मुझे छापरू नगर जो फॉर्टूनर जो फाइनेंस से वहाँ पर छोड़ दिए। इसके बाद में जो है फाइनेंस वगैरह वाले से बात हुई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 18 मार्च को पैसा भर चुका था 37,700 रुपये, तो वहाँ पे जो है लोन क्लोज नहीं दिखा रहा है, मतलब कि मेरा चेक भी बाउंस हुआ 4 अप्रैल और 4 मई का, जब मैंने मार्च में पैसा दे दिया था, तो 4 अप्रैल और 4 मई में इंस्टॉलमेंट का चेक लगने ही नहीं था। क्यों लगा, क्यों? क्योंकि अगले शख्स ने पैसे ही नहीं भरा। आप सोचिए ना, तब की 10 इंस्टॉलमेंट के पैसे मुझ पर निकल रहे थे, मैंने गाड़ी बेचने के बाद इकट्ठा पैसे दे दिया, 35,180 रुपये मुझ पर निकल रहे थे। तो मैंने, इन्हें बोले मुझे कि 37,700 या 800 रुपये कुछ समथिंग दे दिया था मैंने, मगर इन्हें पैसे ही नहीं भरे, है ना। दो एक महीना 52 दिन हो चुका है। इसके बाद में मैं वहाँ से लगभग जो है, जो नोहेल खान जो भाई जो है ना, जिनको गाड़ी बेचा था, जो खरबी में रहते, उन्होंने मुझे 3:25 पे, फिर मैं वहाँ से निकला, मतलब 3:25 पे जो है वहाँ से टेलीफोन एक्शन चौक भी ने मुझे छोड़ दी, छापरू नगर से लगभग टेलीफोन एक्शन चौक, यही लगभग जो है 300 या 350 400 मीटर के लगभग, आधा किलोमीटर पकड़ लीजिए, वहाँ पर छोड़े। और इनके ऊपर 5,000 रुपये बाकी भी है ना मेरे, क्योंकि पैसे इसके लिए बाकी है, क्योंकि 65,000 में गाड़ी बेचा था, तो 5,000 रुपये इन्होंने देने के बाद में बात हुई थी, तो बीच में 249 के रिचार्ज किए थे, और मुझे बोले काहे से, मतलब पैदल आया मैं तो, इन्होंने मुझे 500 रुपये दिए, नहीं ले रहा था मैं, तो बोले पैसे ले लीजिए, बोले आप, बोले जब भी बोले गाड़ी एनओसी देंगे, बाकी के पैसे बाद में देख लेंगे। मैं बोला ठीक है, तो उन्होंने मुझे 3:25 पे छोड़े, क्योंकि एक एक बात जितना होता लिख के रखना पड़ता, जहन में कितना बिठाऊंगा, है ना। और 4:40 पे जो है मैं वहाँ से, हाँ 3:25 पे ताजबाग के लिए निकल गया था, 4:40 पे ताजबाग नंदनवन होते हुए 4:40 पर बड़ा गेट के सामने ताजबाग गुलगुला होटल के सामने पहुंच गया था। वहां पर मैंने गुलगुला होटल में 1 प्लेट नाश्ता किया, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं था। नाश्ता करने के बाद में दरगाह के सामने बिल्कुल 5:05 पर पहुंच गया था, वहां पर जहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, वहां पर जो है बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का जो ऑफिस है, वहां पर मैंने 2 बीड़ी पी, अंदर में गया, 5:10 वजू वगैरह बनाया, असर की नमाज पढ़ा, असर की नमाज पढ़ने के बाद में पढ़ाई वगैरह किया, असर की नमाज दुआ मांगा, फिर इसके बाद मगरिब की नमाज़ भी पढ़ा मस्जिद में, है ना, क्योंकि अपनी नमाज अलग पढ़ा मैंने, जो बोल दूंगा सच बोल लूँगा, क्योंकि मेरे को जमात नहीं मिल पाई थी ना ही मगरिब की। मगरिब की नमाज़ के पहले भी अजान होने लगी, मैंने बीड़ी पिया, जाके ताज़ा वजू बनाया, नमाज़ पढ़ा मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में सलातो सलाम पेश किया, जो भी पढ़ना था पढ़ा। इसके बाद में वहाँ से दरगाह के अंदर से 7:45 पे निकल गया था फातो। तो इसके बाद में एक सिगरेट पिया, चाय पिया, और बड़े गेट के पास जो है मैं 7:55 पे जो मेन गेट है बड़ा, वहाँ पे निकल गया था। वहाँ से बड़े गेट से निकलने के बाद में मिठानिम दरबार,
मीठा नीम दरबार जो है मैं 7:25 पे, ये मीठा नीम शरीफ जो है 7:25 पे पहुंच चुका था, है ना, 7:25 पे पहुंच चुका था। क्योंकि जब मैं दरगाह के बाहर निकला बड़े गेट के पास तो 9:02 कुछ हो रहे थे, है ना, तो मीठा नीम दरबार ये 8:02 कुछ हो रहे थे और मीठा नीम दरबार 9:25 पे पैदल पैदल पहुंचा। पैदल पैदल पहुंचने के बाद में मीठा नीम दरबार में सलातो सलाम पेश किया और 10:00 गेट लग जाते बाहर आके दुआ मांगा। 10:08 पे जो है मैं मोमिनपुरा के लिए निकला। मोमिनपुरा 10:38 पे मोमिनपुरा में रुकने के बाद में वहाँ पर मैंने कोई आलू पोए वाले के जो अंकल जी हैं वहाँ पे इनकी 30 रुपये बाकी थे, इनको 30 रुपये दिया था। मैं सोचा कि नाइट में लगा थे शायद आएंगे, वो नहीं आए। आधा घंटा था मोबाइल में 161 रुपये का रिचार्ज डाला, 6 GB नेट का ऑलरेडी, 28 GB का रिचार्ज ऑलरेडी था, तब भी मैंने डाला क्योंकि नेट की ज़रूरत पड़ती है वीडियो डालने में। सोशल मीडिया पे यूट्यूब ट्विटर व्हाट्सअप फेसबुक जो चलाता हूँ, तो इसके बाद में एक होटल पे मेरी 100 रुपये मुझ पर बाकी थे तो वो 100 रुपये की उधारी दी और 30 रुपये का समोसा नकदी में उधारी खाया, मतलब पहले के 100 दे दिए अभी की 30 बाकी रखा, और 25 रुपये किलो के हिसाब से तरबूज लिया, तो 1 किलो 250 ग्राम समथिंग कुछ दिए 30 रुपये में। फिर मोमिनपुरा में लगभग 50 मिनट रहने के बाद में मोमिनपुरा से मैं जो है 11:28 पे टेम्पो में बैठा, क्योंकि ऑलरेडी 22 किलोमीटर पैदल चल चुका था और तरबूज की पन्नी हाथ में थी, मतलब कितना पैदल लेके घूमूंगा, है ना, कितना पैदल लेके घूमूंगा। 6 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं, जब 22 किलोमीटर चल सकते हो तो 6 किलोमीटर की बात है। मोमिनपुरा से रानी दुर्गादी चौक 6 किलोमीटर, रानी दुर्गादी चौक से यशोदा 2 किलोमीटर, टोटल 6 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर और 4 और 2 6 किलोमीटर टोटल। तो टेम्पो से 30 रुपये में यशोदा चौक पर 11:48 पे पहुंच चुका था और यशोदा चौक से घर पर आने में कम से कम 200 मीटर बस 11:50 पे घर पहुंच चुका हूँ और आपके सामने हूँ। और घर पर आने के बाद में बाथरूम वगैरह से फारिग हुआ, वजू वगैरह बनाया, इस वक्त आपके सामने हूँ क्योंकि दिलशान मिर्जा को एक एक बात बताना पड़ता है। आज दिमाग में कितनी बात रखेगा दिलशान मिर्जा, अपनी बीवी के बेटे में सपूरा मिर्जा के बेटे पूरा पूरा काम कर रहा है ना। मेरी बीवी का बेटा पूरा पूरा दबाया गया, दिलशान मिर्जा ने कदम कहीं से पीछे नहीं लिया ना ही लेंगे। और एक सलाह है मेरे को लोगों के लिए, है ना, दुनिया की हमारा तो यकीन है यही ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि वह तो इज्जत तू मनता सा, वह तो जिल्ला तू मनता सा, इज्जत तो जिल्ला देने वाली याद मेरे अल्लाह की, मेरे रब की, मेरे परवरदिगार की, मेरे खुदा की है। पर अच्छा काम क्योंकि अल्लाह तबारक तआला हुक्म देता है, मेरे वो चीज़ हो जाए तो वो चीज़ हो जाती है फरिश्तों के जरिए से, मगर कुछ कुछ वजह इंसानों की वजह से भी होता है। जैसी आज मेरी जो बीवी के साथ इतना गंदा खेल खेला गया तो वहाँ पे अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं होती है, यहाँ पे शैतान की मर्जी होती, क्योंकि शैतान ने इतनी इबादत किया था, इतने सजदे किया था कि लाख नहीं करोड़ों नहीं अरबों सजदे किया था। आबिद कहा जाता था, आबिद किसे कहते हैं पता है, जो इबादतगार होता है इसे कहते हैं। जब आप आदम अलैहि सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया, एक मेरे फरिश्तों सजदा को सबने सजदे में झुक गए मगर शैतान सजदे से इनकार किया और मर्दूद खबीज इब्लीस शैतान निकल वहाँ से, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बोला निकल शैतान, निकल इब्लीस, निकल खबीज, निकल मर्दूद, है ना। तो रोजे मैसर में वो शैतान खुद गवाही देगा कि तेरे बंदे को सब तो समझता था, मेरे भाई का होने में क्यों आए। जाहिर सी बात है आज हम 10वीं 12वीं 2nd ईयर 1st ईयर का इम्तिहान देने जाते, वहाँ पर हमको प्रश्न के उत्तर नहीं पता होते, पता भी होते 50% 75% 80% है। यहाँ पे तो हमको हम दुनिया में इम्तिहान देने आए, अल्लाह तबारक तआला का रिस्क हलाल की तलाश करने आए, है ना, रिस्क हलाल का तलाश करो, मेरी इबादत करो। इंसान दुनिया में इसीलिए आया है ना, आज दुनिया में इंसान को कैसे जीना है ये सब तो पता है ना, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की इबादत करने के लिए इंसान आया है कि खिदमत खल्क करो, क्योंकि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक हाथ में जो है कुरान मुकद्दस और दूसरे में अहले बैत, जिसने कुरान मुकद्दस को थाम के रखा और अहले बैत को थाम के रखा वो इंसान कभी भटक नहीं सकता है, हकीकत तो ये है ना। और आज का मुसलमान, अब मुसलमान को तो पता है ना, दुनिया में इंसान मुसलमान जो है इम्तिहान देने आया सीधे रास्ते पर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने पर, मुसलमान कहाँ चल रहा है बताइए ना, कहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सब पता है कि हमको ज़िंदगी कैसे गुजारना है, हमको गरीबों की मदद करना है, एक में को लेके चलना है ना,
सब कुछ पता है मगर कहाँ का रहा इंसान क्या है, अपना नफ्स का गुलाम बन बैठा है, हराम हलाल खाता है, नफ्स का गुलाम बन बैठा है, शैतान तो नफ्स में वार करता है ना, है ना। जहाँ पे मेरी जिस जगह मेरी बीवी के साथ गंदे काम किए जाते थे वो भी चीज़ रोजे मैसे में गवाही देंगी कि सपूरा के साथ यहाँ ये काम होते थे। क्या समझते दुनिया वाले, है ना। इंसान मरता, इंसान की आत्मा इंसान की रूह कभी नहीं मरती, वो अमर रहती है, हकीकत ये है। लोगों को नहीं पता इतनी बारीकी वाली बात है ना, लोगों को नहीं पता है। क्या समझते हो वो खुदा खुद अल्लाह उसके फरिश्ते खुद गवाही देंगे रोजे मैसर में कि सपूरा के साथ ऐसा ऐसा जब है ना सरका गौसे बाग रहती है तो अल्लाह गवाही देंगे, मौला अली मुश्किल कुश्ता गवाही देंगे, हसनैन करीम हसन हुसैन मुस्तफ़ा गवाही देंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, सरकार ताजुल औलिया गवाही देंगे, तब किसकी बात मानी जाएंगी। और यहाँ तक कि शैतान खुद गवाही देगा, मैंने तेरे बंदे को भड़काया तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या इसको नहीं समझता था कि गलत क्या है, सही क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, क्योंकि क्योंकि तेरे बंदे को तो सब कुछ समझता था, तब भी थी मैंने तेरे बंदे पे वार किया, तब भी तेरा बंदा जो है नफ्स का गुलाम बन बैठा था। इसमें शैतान की क्या गलती है, शैतान ने तो वादा किया है ना मैं तेरे बंदे को ता कयामत तक भड़काऊँगा भड़काते रहूँगा, इसमें शैतान की कहाँ गलती है ना, शैतान की नहीं इंसान की गलती, क्योंकि शैतान इंसान जो है शैतान के भड़कावे में आ जाता है तो क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान में गलती है ना। अगर इंसान अपने आप को नफ्स अंबारों को अगर मार के रखे तो इंसान शैतान के भड़कावे में आएंगे नहीं, इंशाल्लाह दिल से नजर नफ्स अंबारों को मार के रखे गैर महरम से नजर ही नहीं मिलाता है, कोई नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।